हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज वर्ल्ड में स्वागत है। अभी अभी हरियाणा की ऑफिशियल साइट पर नोटिस डला है जिसमें EBPG के रिज़ल्ट के बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे और कितने पे कट ऑफ गई है और किस किस कैंडिडेट का हुआ है इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट बताऊँगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। अब हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इसके HSSC के चेयरमैन थे वो निलंबित कर दिए गए हैं। अब जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठे हैं उन्होंने रिज़ल्ट निकालने स्टार्ट कर दिए हैं और अभी एक वीक के अंदर अंदर मैक्सिमम जितने भी रिज़ल्ट बचे हुए हैं सभी का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो अभी एक के बाद एक रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया है, तो जो भी कैंडिडेट पिछले रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे अभी सभी कैंडिडेट के रिज़ल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हम नोटिस के बारे में बात करते हैं। अभी अभी EBPG का जो रिज़ल्ट रुका हुआ था क्लर्क के लिए वो आ चुका है और इसके लिए भी लोग धरने पर भी बैठे हुए थे कि ये रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा। जो हाई कोर्ट ने इसका ऑर्डर दे दिया था तो भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, इसके लिए लोग दो तीन दिन से धरने पर बैठे हुए थे। तो ये रिज़ल्ट अभी आ चुका है, तो इसमें आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। ये क्लर्क की लिस्ट है। इसमें EBPG की 685 पोस्ट थी, तो आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। तो अभी धीरे धीरे हर एक एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा और जो भी अपडेट आएगी साइट पर मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। और आप ये नो देख सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और इसमें वेटिंग लिस्ट भी लगाई गई है और इसमें कट ऑफ गई है, जो आप जैसा ही देख रहे हैं कट ऑफ 154 पे गई है और वेटिंग लिस्ट के लिए 152 पे कट ऑफ गई है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।